वही निशिकांत दुबे जी 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 जिन्होंने एक पिछड़ी जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी। चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, क्या मुंह लेके मेरे प्रधानमंत्री ये गर्व से कहेंगे कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ, और इससे बीजेपी का चरित्र जो है वो सामने आ गया। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। वही निशिकांत दुबे जी 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 जिन्होंने एक पिछड़ी जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। सेम निशिकांत दुबे ना, जिनकी कुछ डिग्री विग्री पे भी कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी, पीएचडी की। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगा। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी। सच्चाई ये है जो रिकॉर्ड पे है कि जब रमेश भिदुड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे थे, जो सुनाई दे रहा है उसको मैंने, उस पे ऑब्जेक्शन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, माननीय सभापति जी इसको रिकॉर्ड से निकालिए। अगर ये कहना मेरा अपराध है तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं, वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। ये आरोप निराधार, और मैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो। ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये दानिश अली के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को शर्मसार करने का काम किया है। और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर जरा सी भी लज्जा है तो रमेश भिदुड़ी के खिलाफ तो कार्रवाई करें ही करें, लेकिन निशिकांत दुबे और अमित मालवीय जैसे लोगों के खिलाफ भी बीजेपी में अगर कोई मॉरल बचा है तो पूछना चाहिए कि ऐसे निराधार आरोप क्यों लगा। ये तो पूरा इकोसिस्टम है जी। उनके, संस्कार तो पूरी दुनिया ने देख लिए कि कैसे संस्कार दिए थे हैं भाजपा और आरएसएस वाले अपने कैडर को, वो रमेश भिदुड़ी ने अच्छी तरीके से दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरी दुनिया में मेरे देश का सर जो है झुका दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री का सर झुका दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में क्या होता है, क्या मुंह लेकर के मेरे प्रधानमंत्री विदेश जा कि यात्रा पे जाएंगे, या क्या मुंह लेके मेरे प्रधानमंत्री ये गर्व से कहेंगे कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।